ये वीडियो मैं कल अपलोड करने वाला था, लेकिन तुम लोगों को अपने इंटरनेट का पता है भाई, इंटरनेट ही चला गया। मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, उसके दौरान ही इंटरनेट चला गया भाई। यार मेरा सब चीज़ें ठीक चलती हैं भाई, लैपटॉप हर चीज़ ठीक चलती है भाई, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब इंटरनेट की बात आती है ना तो यार धोखा दे जाता है, बेहन का लोड़ा धोखा दे जाता है। खैर शुरू करते हैं वीडियो। मैं पहले ही कह दूं यार, मैं इन दोनों यूट्यूबर्स में से किसी भी यूट्यूबर्स को हेट नहीं करता हूँ, बाद में तुम लोग गालियाँ मत देते रहना, मैं पहले ही कह रहा हूँ दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। गाइस तो क्या चल रहा है, आप कमेंट में ये मत लिख देना कि खुदी के कुछ भी नहीं चल रहा है गांडू। नहीं भाई, किसी की भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। खैर आज कोई मजाक का टॉपिक नहीं है, आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अगर तुम लोग पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या चल रहा है श्याम इद्रीस और डक्की भाई के बीच में। अगर तुम्हें नहीं पता तो यार सही में तुम जादू की दुनिया से आए हो भाई। मुझे रोहित ने कहा था कि जादू का भाई भी है इस दुनिया में, जादू अकेला नहीं गया, जादूगर कुछ रह गया यहाँ पे, तो तुम मेरे ख्याल से वही हो। खैर तुम जादू के भाई हो तो इसीलिए जादू से हमारा प्यार था, तो हम तुम्हें बता देते हैं कि डक्की भाई ने 5 महीने पहले एक रोस्ट बनाया था शाम अदरीस के। अब इससे पहले मेरी बात सुन लो, रोस्टर का काम होता है रोस्ट करना, ये सुन लो, फिर से सुन लो, रोस्टर का काम होता है रोस्ट करना। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं कि रोस्टर रोस्ट करते हैं, उनको बस लड़ाइयों लेने का शौक है बस। अब डक्की भाई ने जब 5 महीने पहले रोस्ट बनाया तो शाम अदरीस साहब को 5 महीने बाद गैरत जागी और शाम अदरीस साहब ने उनके फेसबुक पेज पे स्ट्राइक मार दिया, मतलब कि बैन करा दिया उसका फेसबुक पेज, क्योंकि डक्की भाई ने मीम्स बना के फेसबुक पेज पे डाली थी शाम अदरीस की। इतनी ज़्यादा कोई मीम्स नहीं थी, यही थी जो भी आ रही हैं आप पर, इतनी ज़्यादा कोई मीम्स नहीं थी, 2-3 मीम्स थी, लेकिन आपको तो पता ही है खर्दमाक। अपने डक्की भाई जो हैं वो मोहम्मद अली, एक चैनल है मोहम्मद अली, ग्रेट मोहम्मद अली चैनल है, आपने उनका गाना सुना होगा जूही चावला, उनके चैनल पर आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मोहम्मद अली ने कि भाई शाम अदरीस तुम बाहर आ जाओ ऐसे ऐसे। शाम अदरीस साहब ने भी एक वीडियो बनाई थी हेटर्स के ऊपर, गाना भी बनाया था, एक वीडियो भी बनाई थी। खैर हम इस बारे में बात करने बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं वो बात करें गलती किसकी थी। सबसे पहले आते हैं डक्की भाई की गलती पर। डक्की भाई की गलती का नाम सुन के तुम लोग कमेंट में जाकर गालियाँ मत लिखते रहना, पूरी बात सुन लो। डक्की भाई की ये गलती है कि उन्होंने रोस्ट किया। अब तुम लोग गालियाँ निकालोगे कि साले गंडू भैंचोद रोस्टर का काम होता है, अभी तो तुमने कह रहा रोस्टर का काम होता है रोस्ट करना और अब तू कह रहा है डक्की भाई ने रोस्ट किया। यार देखो रोस्ट हम उन लोगों का करते हैं जो लोग बकचोद होते हैं। मैं मानता हूँ शाम अदरीस बहुत बड़ा क्लिक बेटर है, बहुत बड़ा फेक यूट्यूबर है, वो बहुत फेक वीडियोज़ बनाता है, लेकिन आप एक यूट्यूब कम्युनिटी हो, आप सब बड़े बड़े यूट्यूबर, तो कोई किसी से बड़ा नहीं है, बनाना आपका नहीं बनता था रोस्ट, आप भी बड़े यूट्यूबर हो वो भी बड़ा यूट्यूबर है, बनाना नहीं बनता है। लेकिन फिर से वही बात आती है रोस्ट का काम होता है रोस्ट करना, तो डक्की भाई की गलती नहीं है क्योंकि शाम अदरीस भाई ने गलत वीडियो बनाई थी तो रोस्ट करना बनता था भाई, क्योंकि सबको पता यार वो गलत वीडियो बनाता है, उन्होंने गलत वीडियो बनाने के डर में इतने डरे हुए हैं कि उनको पता है, उनको खुद पता है कि लोग मुझे फेक बोलेंगे, लोग मुझे ऐसे चूतिया गंडू गालियाँ निकालेंगे, उन्होंने कमेंट ही हटवा दिए हैं, उन्होंने कमेंट पे बैन लगा दिया कि जो उनके यहाँ पे नीचे फेक ऐसे वैसे कमेंट करेगा ना वो आएगा ही नहीं, कमेंट बैन हो गए हैं कमेंट। वाह भाई, मतलब कि सही बात, आप डरते हो, आप बनाते हो फेक वीडियो, लोगों की कॉपी करते हो, सही बात है। फिर अब आ जाते हैं शाम अदरीस की गलती पर। शाम अदरीस भाई जान की बहुत ज़्यादा गलती है, गलती नहीं गलतियाँ हैं। पहली बात फिर से वही, शाम अदरीस साहब भूल गए कि रोस्टर का काम होता है रोस्ट करना, क्या काम होता है रोस्ट करना, ये बात हमने दिमाग से निकाल ली। दूसरी बात, अगर चलो रोस्ट कर दिया उसने, आपको थोड़ा बुरा लगा है, आप उसको प्राइवेट में फ़ोन मैसेज ईमेल जो मर्ज़ी करो उसको प्राइवेट में कर दो कि भाई मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये वीडियो हटा दें, ये मीम हटा दें फेसबुक पेज से, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज़ से। आप प्यार से भी बात कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बैन करना पेज, ऐसे स्ट्राइकें मारनी है ज़रूरी नहीं है, प्यार से बात हो सकती है तो प्यार से ही किया करो यार, इतना क्या है इतना। अगर आप लोगों को जानना है कि शाम अदरीस भाई ने क्या क्या फेक काम किया, तो डक्की भाई ने आज ही वो 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, जाकर देखो
यार टाइटल उसका जाकर देखो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देखो। सारे चिट्टे चिट्टे खोल देते हैं शाम उदरीज के, अच्छी वीडियो बनाई उन्होंने, सही बताया सब कुछ। शाम उदरीज साहब ने जब डक्की भाई का फेसबुक पेज बैन किया तो काफ़ी यूट्यूबर्स उठ गए, जैसे कि दानियाल वगैरह, अफगानिस्तान। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, सब अपनी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। बस उनको क्या है यार, मैं बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन यार सब व्यूज़ के लिए ही काम कर रहे हैं, सबको व्यूज़ आ रहे हैं उनके ड्रामे की वजह से। वो लोग शाम अदरीस को गालियाँ निकाली जा रहे हैं, हाल ही शाम अदरीस को, उनको तो व्यूज़ आ रहे हैं, इनकी लड़ाई और बढ़ी जा रही है, उनको व्यूज़ आ रहे हैं और ये ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। खैर वो अलग टॉपिक है, बाद में बात करेंगे। शाम अदरीस भाई की गलतियों पर आता है। शाम अदरीस भाई ने मारी स्ट्राइक गलत की, आप प्यार से कह सकते थे, और ऊपर से वीडियो बनाई, और वीडियो में कहा क्या, ये कहते हैं, ओके, आई विल नॉट लाई ऑन अल्लाह नेम, वल्लाह I am not the one that banned them. You know what they did? My management team did give them a strike. My management team did give them a strike. चुप! बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मतलब कि यार मैनेजमेंट टीम भी तो आपकी है यार, क्यों काटते हो लोगों का? ये तो साफ पता जा रहा है आप लोग काट रहे हो लोगों का। और शाम अदरीस भाई ने गाना भी निकाला था हेटर के नाम पर। चलो गाना निकाल दिया, आपके काफ़ी हेटर्स होंगे, ज़रूरी हैं डक्की भाई हैं, गाना निकाल लिया, लो जी हेटर्स पे बनाया। लेकिन फ्रॉगी मैम ने जो ये लाइन बोली है ना, Can I see these tiny, tiny, tiny YouTubers? भाई ये गलत थी, ये टाइनी 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 यूट्यूबर्स गलत थी। यहाँ से फिर एक आम आदमी को भी गुस्सा चढ़ता, क्योंकि हमें हक है बोलने का। आप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं लगे हुए हो, कोई बादशाह नहीं लगे हुए हो जो आप हमारा मुँह बंद करवा दोगे। नहीं भाई, गलत बात थी। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ भले, लेकिन गुस्सा चढ़ता है ये बात सुनकर। कभी आप पे भी टाइम था जब आप 10, 20, 30 सब्सक्राइबर पर थे, ठीक है, आप पे भी टाइम था, ये मत भूलो। अभी आप ऊपर पहुँच गए, इसका मतलब रूढ़ करोगे टैनी 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 यूट्यूबर। और ये जो फ्रॉगी मैम ट्वीट करती हैं, पाकिस्तानी ये, पाकिस्तानी वो, छोटे टैनी टैनी पाकिस्तानी, छोटे छोटे घर। भाई डक्की भाई ने एक बात कही है, मैं पाकिस्तानी है, उनके लोग इतने छोटे लगते हैं, तो तू कभी आके तो देख, और तू कभी आई हो तो पता हो, किसी दिन आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई, यहाँ पे बहुत बड़ी चीजें हैं, हम आपको पिशावर घुमाएंगे, वड्डी तू अंग्रेज। बात कही है भाई, इस बात से तो मैं सही सहमत हूँ भाई। मतलब यार क्या टाइनी टाइनी यूट्यूबर्स हैं, दिल करता है चुतियाँ मारूँ। ये जो फ्रॉगी मैम है ना, फ्रॉगी मैम आप भी कोई इतनी कुछ वो हजाबन नहीं हो, कोई क्या नाम है, आप बहुत ही शरीफ हो, पता है आपके कारनामे, हजाब पहन पहन के रैप करते हो, हजाब पहन पहन के डांस करते हो, मुसलमानों का नाम ख़राब किया हुआ आपने, मुस्लिम औरतों का नाम ख़राब किया आपने, हिजाब को रिस्पेक्ट नहीं दिया आपने, आपने हिजाब का सत्यानाश कर दिया यार। मतलब कि क्या यार, शर्म आती है यार। मतलब कि एक मुस्लिम होकर आप काफरों वाले काम कर रहे हो, आप काफर भी नहीं ऐसे करते, हिजाब पहन के यार डांस कर रहे हो। और शाम अदरीस साहब को भी नहीं आता कि भाई उसको रोक ले, व्यूज आ रहे हैं बस, काम चल रहा है अपना, हमें क्या, हम तो उनको तो बस व्यूज आ रहे हैं, ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। और मैं ये बता दूं कि अभी जो लोग कहेंगे कि कैसे फेक है शाम अदरीस, तो भाई देखो अभी क्या ड्रामे चल रहे हैं, फ्रोगी और शाम अदरीस की शादी का कितने व्लॉग्स आ गए हैं, कितने व्लॉग्स, 10, 12, 13 व्लॉग्स आ गया, शी हैव फीलिंग फॉर मी, शी हैव ये फॉर मी, शी हैव वो फॉर मी। मेरी बात लिख लो, 2 मिलियन भी हो जाएंगे ना, ये जो ड्रामा चल रहा है 2 मिलियन का, 2 मिलियन भी हो जाएंगे ना, फिर भी इनकी शादी नहीं होनी। इन्होंने बस लगाए रखना है आपको नीचे, बस ये सुन लो आप, आपका फुद्दू कट रहा है, इनको व्यूज आ रहे हैं, इनको माल आ रहा है, आप इंजॉय लो, आपका कट रहा है, आपको पता ही नहीं। मतलब यार अगर इस चीज़ को रोकना ना, ये फेक वीडियोस को, कॉपी वीडियोस को, ये घटिया व्लॉग्स को जिनके टाइटल ऐसे लगा देंगे, थंबनेल ऐसे लगा देंगे, तो भाई छोड़ दो देखना। पता है ये सब लोग इस तरह की वीडियोस क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनको व्यूज़ आते हैं, व्यूज़ कहाँ से आते हैं, हम देते हैं, क्योंकि हम वीडियो को देखते हैं। जब ऐसी वीडियो है ना, आई हैव फीलिंग समथिंग, व्हाट हैपन, आई वॉन्ट टू टॉक, भाई क्लिक की मत किया करो, ऐसी चीज़ों को क्लिक की मत किया करो, ना सब्सक्राइब किया करो। जब तुम लोग देखोगे नहीं ना, तब ऐसी ये जो गंद है ना, ये सब कुछ निकल जाएगा। जब 1-2 महीने तुम लोग नहीं ना देखोगे ऐसी चीज़ें, व्यूज़ नहीं आएंगे, उनको लगेगा लोगों को समझ आ गई है, तो भाई
नहीं बनाएंगे आएंगा इसके व्लॉग्स देखने से अच्छा ना यार तुम शबीर जाफरी देख लो, कसम से यार इससे तो बहुत ही बेहतर व्लॉग्स बनाता है, बहुत बेहतर व्लॉग्स बनाता है। मैं पर्सनली देखता हूँ इसके व्लॉग शबीर जाफरी के, बहुत मज़ेदार व्लॉग बनाता है। इसके व्लॉग देखने से अच्छा उसके देखो, ये तो पता नहीं क्या यार फद्दू ही कटवाता है लोगों को। फिर ये छोटे यूट्यूबर वाली बात पर मुझे फिर गुस्सा आ रहा है यार, क्या यार छोटे यूट्यूबर, एक टाइम आएगा जब यही यूट्यूबर्स आपको पीछे छोड़ देंगे, तब मुंह ब्लॉग टनी 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 यूट्यूबर्स। यार मैं किसी की साइड पे नहीं हूँ भाई, गलती दोनों की यार, डक्की भाई जी ने रोस्ट बनाया, गलत काम किया यार, अब नहीं बनाना चाहिए था। आप एक बड़े दोनों बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो, कम्युनिटी हो, प्यार से रहो सारे, लेकिन शाम इदरीस भाई की गलती है। और शाम इदरीस भाई फेक क्लिक बेटर और फेक वीडियोस बनाते हैं, ये बात सच है भाई, ये कोई नहीं छुपा सकता, अब सब कुछ सामने आ रहा है। तुम लोग जब ऐसी चीज़ों को नहीं ना देखोगे तो भाई पता चल जाएगा फिर लोगों को कि भाई अब आवाम का दिमाग आ गया। और अब तुम लोग ये हेट वीडियोस देखना बंद कर दो, लोगों को बस मज़ा आ रहा है ड्रामा देखने का, लोगों को मज़ा आ रहा है ड्रामा देने का। लोग कह रहे हैं भाई लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों को बस शौक पड़ गया लड़ाइयाँ लेने का। यार अगर ऐसी लड़ाई चलते गई तो दूसरों में और हमें फ़र्क क्या रह गया, सही बताओ, सही बात है ना। अब एक और बात आती है, मुझे अब याद आई है एक और बात आती है, शाम इदरीस भाई और बीबी की वॉइस को कंपेयर करो। अब तुम लोग कहेंगे तो पागल है, बीबी की वॉइस 7 मिलियन या 1 मिलियन, 7 मिलियन की बात नहीं है, इनकी पर्सनैलिटी को कंपेयर करो। तुम लोग कैरी मनाती को जानते हो गए यार, ओबियस सी बात है, कैरी मनाती को जानते हो गए, देसी व्लॉग देसी रोस्टिंग उसने स्टार्ट की थी यार, मतलब तुम जानते ही हो गए, पाकिस्तान में भी जो रोस्टिंग वगैरह उसी को ही देख के स्टार्ट हुई थी, बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं उससे। खैर अगर तुम लोग कैरी मनाती को उसके पहले से जानते हो, जब उसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे, 10,000 से कम थे, तब उसने एक रोस्ट किया था बीबी की वाइंस का, जो उसको पहले से जानते हैं उनको पता होगा, उसने एक रोस्ट किया बीबी की वाइंस का, बीबी की वाइंस पर जैसे कि डक्की भाई ने शाम इदरीस का रोस्ट किया, उसने भी रोस्ट किया। अब बीबी की मैंने जब वो वीडियो देखी, उसकी वीडियो काफ़ी वायरल गई थी, तब वहाँ से ही वो थोड़ा सा अप हुआ था, ग्रोथ हुई थी। बीबी की वॉइस ने ये मैसेज किया था कि भाई वो टैग्स तो मैंने फेसबुक के लिए लगाता हूँ, वेल नाइस वर्क लोल। अब इसको देखो और शाम इदरीस को देखो, मतलब डक्की भाई कैरी मनाती एक हो गए, मतलब डक्की भाई ने भी शाम इदरीस को रोस्ट किया क्योंकि वो पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर है, कैरी मनाती ने बीबी की वॉइस को रोस्ट किया क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, एक ही लेवल पे आ गए दोनों, ठीक है। अब बीबी की वॉइस का रिएक्ट देखो और शाम इदरीस का रिएक्ट देखो, देखो क्या फ़र्क आता तुम लोगों में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है नहीं बीबी की वॉइस और शाम इदरीस के अंदर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। तुम लोग प्यार से नहीं कह सकते, जिस बीबी की वॉइस ने क्या कहा, प्यार से कह दिया उसने, समझा दिया ना, क्योंकि उसको पता था, उसको पता था ये बंदा है, इसने आगे ग्रोथ करनी है, और वही हुआ आगे भी कैरी मनाती को सक्सेस मिली है। बीबी की वाइंस को पता था कि ये बंदा आगे जाके सक्सेस पा लेगा, ये बंदा आगे जाके बड़ा यूट्यूबर होगा, वही चीज़ डक्की भाई के साथ हो रही है, डक्की भाई अभी सक्सेस पे आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह 1 मिलियन पर पहुँचेंगे, आपकी मेरी दुआ है आपके साथ डक्की भाई। लेकिन ये कंपेयर करो तुम लोग, क्या शाम इदरीस ऐसे नहीं कर सकता था, प्यार से नहीं कह सकता। और कैरी मनाती ने वो वीडियो प्राइवेट की खुद, ना के बीबी की वॉइस ने जोर किया, कैरी की मनाती ने खुद वो वीडियो प्राइवेट की क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, जब वो बड़ा यूट्यूबर बन गया तो उसको अच्छा नहीं लगा कि भाई मैं एक यूट्यूबर होकर दूसरे यूट्यूबर को कह रहा हूँ, उसको नहीं अच्छा लगा, उसने वो वीडियो प्राइवेट कर दी, ठीक है। अब तुम लोग खुद ही सोच लो यार क्या फ़र्क बनता है उन्हें, मतलब कि ये कनाडा जाके औकात भूल गए अपनी, मतलब ये नहीं सोचते कि हम पाकिस्तान में रहे थे पहले, यहीं पे पले बड़े हैं, मतलब कनाडा जाके थोड़ी इंग्लिश सीख के आप दूसरों को टैनी 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 कहोगे, और पाकिस्तान हर ट्वीट में फ्रॉगी मैम की पाकिस्तानी, लिटिल पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी, क्या लिटिल पाकिस्तानी पे, क्या जितना टैलेंट यहाँ पे है ना, छोड़ो क्या कहूँ मैं, सबके पास टैलेंट है पाकिस्तान में, बस कोई दुकाने वाला हो। अभी यूट्यूबर इतनी यूट्यूब इतनी फैली नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जिस दिन फैलेंगी ना हर घर से एक यूट्यूबर निकलेगा, और मैं दावे के साथ कहता हूँ
हर पाकिस्तान का यूट्यूबर इंशाल्लाह 1 मिलियन क्रॉस करेगा। डकी भाई साहब, आपकी मेरी दुआ आपके साथ है, आप 1 मिलियन क्या 10 मिलियन तक क्रॉस करो भाई, जिंदाबाद हो। लेकिन लड़ाई झगड़े छोड़ दो यार, बात बढ़ाओ मत घटाओ, इतनी कोई बात बढ़ाने वाली बात नहीं है। अब आप एक दूसरे को या फिर मैसेज कर लो, या शाम उदरीज कर लो, या डकी भाई आप कर लो, कोई ना कोई करे, बात को इतना ना बढ़ाओ। अभी एंड पे यही कहना चाहूँगा, बस प्यार फैलाओ, प्यार लो यार, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि हमें प्यार से, दुश्मन से भी प्यार से बात करनी है, हमें दुश्मन को भी प्यार करना है। तो भाई इतना कोई ड्रामा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हेट फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन आप अपना काम करते जाओ, इंशाल्लाह सबको सक्सेस मिलेगी। अब मुझे पता, मुझे गालियाँ पड़ेंगी कमेंट में, कोई ढकी भाई का फ़ैन नीचे मारेगा, कोई शाम जी इसका, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। आगे भाई आप लोग खुद ही डिसीजन लो कि क्या अच्छा है क्या गलत है, क्योंकि मैं ना शाम उदरीस की साइड पे हूँ, ना ढकी भाई की साइड पे हूँ, मैं आपकी साइड में हूँ। आप लोग क्या कहते हो, कौन गलत है कौन सही है, दोनों गलत हैं या कोई एक गलत है, ये बाप के ऊपर ही है। अब जो गलत है फिर उसको देखना बंद कर दो यार, फिर ऐसा ही हो सकता है यार, जो आपको गलत लगता है उसको देखना ही बंद कर दो। वेल, मैं किसी को हेट नहीं करता हूँ, मेरा लिंक नहीं है ना डकी भाई के साथ, बस वो एक यूट्यूबर है, मुझे अच्छे लगते हैं डकी भाई, इंस्पायरेशन है मेरी काफ़ी ज़्यादा। शाम उदरीस भी अच्छे यूट्यूबर हैं, पर आप बताया तो है बहुत ही, पहले सही थे, अब तो जब से ज़्यादा हो गए हैं ना सब्सक्राइबर, सर पे चढ़ गए हैं सब्सक्राइबर उनके, 1 मिलियन बस नंबर उनके सर पे चढ़ गया, ये नंबर चढ़ गया बस सर पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जो मर्जी हो वो लड़े मड़े, जो मर्जी करे, बस मैं ये कहना चाहता हूँ यार, लड़ना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनकी मर्ज़ी भाई, अब वो लड़ाई कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कहना है, मैं तो सिर्फ एक वीडियो बना सकता हूँ और तो कुछ नहीं। मैं थोड़ी डकी भाई के घर जाकर डकी भाई को कहूँगा भाई माफ़ी मांगो शाम उदरीस से, शाम उदरीस कैनेडा जाकर कहूँगा भाई शाम उदरीस माफ़ी मांग डकी भाई से, माफ़ी भी ना मांगो यार, आप वैसे ही मैसेज करके बात कर लो, लड़ाई झगड़ा मुकाओ यार, छोड़ो। खैर, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मुझे पता है मुझे नीचे गालियाँ बहुत पड़ेंगी कमेंट में, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, उनको वो जानते हैं मुझे, हाँ जानते हैं। खैर, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया यूट्यूब ने, मारो कमेंट और मुझसे पूछो, पूछ लो भाई पूछ लो, तुम्हारे लिए बनाया उन लोगों ने, यूज़ क्यों नहीं करते आप लोग, और मुझे पता है कमेंट से ज़्यादा गालियाँ ही पड़नी हैं, और नो सुनने के लिए तैयार हूँ मैं, आई नो, पर मेरे एंड पे भी यही बात कहना चाहूँगा यार, प्यार फैलाओ बस, हम प्यार से रहें सारे यूट्यूब कम्युनिटी क्रिएटर्स, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, बस लड़ो मड़ो, इसको मारो उसको मारो, स्ट्राइक भेजो एक दूसरे को, ऐसी कोई अच्छी बात नहीं है। यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस। बसों में ताकत इतनी दर्जनों के प्राण लूं, जो कदमों के यहाँ बल खड़ा मैं घुटने बांध दूं, जमीन से जमीन की वो रहचमे हाँ तेरे दफने पैतरे, ये पैतरे हैं पैर में मेरे, जैसे चलते छहनियों में अर्थी तेरी मेरे पैरों के तले, बढ़ता रेट ना सारे पैसे जेब में मेरे, ढाट से बिठा के जांगो पे हूँ पेलता, ना चमचाबाजी झेलता मैं खेलता, शादी कर ले।